असल फ्रेंड, मैं हूली रजा और आप देख रहे हैं परफॉर्मिंग चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो फ्रेंड, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल आपको पता ही है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का, तो आज फाइनली टाइम निकाला है तो आज वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज की वीडियो में आपको अपने जो इंक्यूब्यूटर जो हमने बनाया था, जो कि वो पीछे पड़ा हुआ है, वो मैं फॉर सेल कर रहा हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों फॉर सेल कर रहा हूँ, उसकी मैं क्या कहते हैं जो क्वालिटीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो मशीन मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। उसके अलावा मैंने जो मेरी रूटीन है, संडे के संडे मैं केजी साफ़ करता हूँ, तो मैंने केजीज अपने साफ़ कर दी हैं और उसमें बूरा डाल दिया। अब मैंने मुर्गियाँ बीच में डालनी है, तो वो मुर्गियाँ बाहर हैं, तो चलाएं मैं आपको मुर्गियाँ दिखाता हूँ। अच्छा तो फ्रेंड, मुर्गियाँ मैंने ये रखी हैं, ये देखें मुर्गियाँ। मैं खोल देता हूँ बाहर और अंदर मैं केजी साफ कर देता हूँ, ये देख रहे हैं आप। इसमें ये देखें फ्रेंड, माशाल्लाह से अभी तक मैंने फिलहाल इसके साथ मुर्गी कोई भी नहीं लेके आया। मैं मुर्गियाँ बहुत देखी हैं, लेकिन एक तो रेट बहुत ज़्यादा, ऊपर से क्वालिटी वाइज कोई मुर्गी नहीं मिल रही, और दूसरा ये जो मुर्गा है वो उस मुर्गे को मारता है। वो आप उसको देख रहे होंगे, उसके ऊपर से बाल भी काफ़ी उतर गए हुए हैं। और इसको देखें, इसकी आंखें तक नहीं नज़र आती, और माशाल्लाह से काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है। मैंने वैसे ही रखे हुए हैं शौक के लिए अभी फ़िलहाल। और ये आपको जैसे पता है लोहमन ब्राउन, ये माशाल्लाह से कोई 4.5 मंथ के होने वाले हैं, और इंशाल्लाह 5 साढ़े 5 मंथ में ये ब्रीड शुरू कर देते होते हैं। तो इंशाल्लाह फिलहाल मुर्गे, तो ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से ये मेल है और बाकी सारी 4 फीमेल हैं। और ये भी फॉर सेल मैंने लगाई हुई थी, लेकिन इसको दिल नहीं कर रहा सेल करने का। तो फिलहाल जिस भाई को चाहिए वो रब्ता कर ले, मुनासिब कीमत दे और ले जाए। और ये देखे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। और अब हम इन मेल को पकड़ते हैं और फिर इसको हम अंदर लेकर चलते हैं और इसको केज में बंद करते हैं। चलाएं इसको अंदर लेके चलें। माशाल्लाह, इसको हम अंदर ले आए। ये तो पकड़ा नहीं जाता, ये बहुत ही आज इजीली पकड़ा गया, क्योंकि मैं पास में बैठा हुआ था, तो वरना ये पकड़े नहीं जाते। और माशाल्लाह से इसकी आप खूबसूरती चेक करें, और बेहतरीन खूबसूरत वाइट कलर में। तो इसको हम अंदर रखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही, ये एक मेल आ गया और दूसरा मेल भी हम अंदर रखते हैं, उसको भी हम बाहर से लेकर आते हैं। पकड़, देखिए इसको आपको मैं पास से दिखाऊं। माशाल्लाह से खूबसूरती इसकी आप चेक करें। तो चलाएं इसे भी हम बंद करते हैं। पहले एक मेल हमने बंद कर दी है, ये दूसरा मेल हम बंद करने लगे हैं। माशाल्लाह से ये इस मेल ने इसको मारा है, तो इसकी वजह से ये इसके ऊपर वाले बाल सारे उतर गए हैं। इंशाल्लाह इनके लिए हम फीमेल लेकर आएंगे। मैं कहता जरूर हूँ, लेकिन अभी तक मैं फीमेल ला नहीं सका। दरअसल कुछ टाइम भी नहीं होता, और कुछ इनके लिए ना फीमेल मिल भी नहीं रही। अगर मिलती हैं तो बहुत दूर होती हैं, यानी कि लाहौर में नहीं होती, लाहौर से बाहर के दूसरे शहर में होती हैं, तो फिर वहाँ से मंगवाना बहुत मुश्किल काम है। तो अब हमने ये सारे मेल बंद कर दिए हैं दोनों। तो चलाएं मैं आपको दिखाता हूँ, अब हम जो है लोमन ब्राउन उसको बंद करते हैं। आ जाए, उसके लिए हमने डंडा पकड़ना।
माशाल्लाह से क्वालिटी आपने चेक कर ली होगी बाहर, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी में है। लेकिन काफ़ी जो भाई कहते हैं भाई ये लोहमन ब्राउन नहीं है भाई, भाईजान ये देखें पहले जो मैंने ये कलर इनके देख रहे हैं, ये भी फुल डार्क होंगे ठीक है। अब इनकी 4.5 मंथ एज है, वो भी मेरे ख्याल से पूरी नहीं हुई, 4.5 मंथ होगी। तो ये अभी कह लें कि अभी पट्ठे ही हैं, तो इंशाल्लाह 1-1.5 माह तक ये अपना कलर और मजीद चेंज कर देंगे और इंशाल्लाह अंडों पे भी आ जाएंगे ठीक है। उसके अलावा ये मेल ये आपने देखे हैं, तो ये जो है इनके लिए हमने फीमेल लेकर आनी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके लिए हम फीमेल भी ले आएंगे। अभी देख रहे होंगे अभी भूखे हैं, अभी मैंने इनको दाना नहीं डाला और इस टाइम दोपहर के कह लेंगे 12 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने इनको दाना नहीं डाला, इंशाल्लाह इनको दाना डालते हैं। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये वाली वो मशीन है, ये मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, ये बड़ी हुई है फिलहाल, ये फिलहाल वैसी पड़ी हुई है, इसके अंदर मैं कोई भी एग वगैरह भी हैच नहीं कर रहा, पिछले सीजन मैंने किए थे तो इस सीजन मैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहा इसके अंदर, इनको मैं सिर्फ सेल करना चाह रहा हूँ, इस इनक्यूबेटर को मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ताकि इसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये मैंने काफ़ी बड़ी बना ली है, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी, ये मैंने खुद बनाई थी और ये कह लेंगे काफ़ी बड़ी बनी है, कह लेंगे 350 अंडा इसमें आ जाता है एक वक्त में अगर हैच करवाएं ना, ये 2 ट्रे के अंदर, और एक ट्रे आपकी वैसी फालतू अगर उसमें क्या कहते हैं एंड वाले दिनों में जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए तो उसमें आप नीचे वाली ट्रे में रख सकते हैं, नीचे वाली ट्रे में ह्यूमिडिटी बिल्कुल बेस्ट होती है। मैंने इसके अंदर हैच करवा के देखे हैं, कह लें कि एक सीज़न मैंने यूज़ किया है इसको, तो इंशाल्लाह ये मैं सेल कर रहा हूँ, हम बहुत जल्द एक छोटी इंक्यूबेटर बनाएंगे फुली ऑटोमेटिक, ये भी फुली ऑटोमेटिक है, इसके अंदर ट्रे लगी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ये इसका स्विच है, इसको मैं आपको चला के मैं इसको दिखा देता हूँ, ये हमने ऑन कर दिया, ये देखें माशाल्लाह, इसका जो बटन है ये मैंने सेपरेट दिया है, देखें ये लगा हुआ है, ये भी ऑन हो गई ठीक है। अंदर से तो इसके जो बल्ब हैं वो मैंने इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, अंदर फिलहाल कह लें कि अंधेरा ही है, आपको सही से नज़र नहीं आएगा, इसके जो बल्ब थे वो मैंने चारों के चारों बल्ब इस्तेमाल कर लिए, इसके अंदर 60 वाट के 4 बल्ब लगते हैं, वो आप लगा सकते हैं, मैंने 2 बल्ब लगा के भी इसमें हैचिंग की है और 4 बल्ब लगा के भी इसमें हैचिंग की है, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और इसके अंदर ह्यूमिडिटी फायर भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये ह्यूमिडिटी फायर पड़ा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह से, ये इसका अडाप्टर भी है, ह्यूमिडिटी फायर भी है, इधर सर गंदा हवा है, आपको इंशाल्लाह साफ़ करके ही हम देंगे, जो भी भाई लेगा उसको ये चीज़ साफ करके देंगे। ये जैसे आपको पता है ये मैंने आपको बताया था ये मैंने क्यों बनाई थी, तो ये भी मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको साफ़ करके इसके अंदर बल्ब लगा के हम देंगे, चला के देंगे, चेक करके देंगे आपको ठीक है, चेक करने के बगैर नहीं हम देंगे, इंशाल्लाह चेक करा के देंगे। और एक तो ये अकेला बंदा इसको कैरी नहीं कर सकता ठीक है, उसके लिए मैंने इसके साइडों पे कुछ सोचा था कि इसके साइडों पे कोई ग्रिप करने के लिए ना कोई चीज़ लगा दूं, तो वो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़िलहाल जहाँ पे पड़ा हुआ था वहीं पे पड़ा हुआ है। और माशाल्लाह से ये आप चेक कर रहे हैं, ये फुली ऑटोमेटिक है, कह लेंगे 350 एग इसके अंदर आप रख सकते हैं ठीक है, 350 एग इसके अंदर आ जाएगा, और ट्रे भी इसके अंदर लगी हुई है, उसका ये जो मीटर है ये आपने चेक कर लिया होगा, ये मीटर इसके जो ट्रे को रोल करता है ये उसके है ठीक है, इस पर सब कुछ सेटिंग सारी हुई हुई है, इस पर हर चीज़ की सेटिंग हुई हुई है, और टेम्परेचर अभी कम बता रहा है क्योंकि अंदर बल्ब तो लगा नहीं हुआ, पंखा ही चल रहा है। और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा एक मैंने रखा है, इसके मैंने सेल निकाले हैं यहाँ, तो इसके सेल डाउन हो गए, सेल
सेल नहीं डालेंगे, वो अंदर वाली साइड से सेल डाल जाते हैं। और ये है इंक्यूबेटर, जिस भाई को चाहिए हो मेरी अगर वीडियो देखकर आता है तो उस भाई को मैं ये 17,000 रुपये में ये दे दूंगा। जिस भाई को चाहिए हो वो मेरे से रब्ता कर सकता है, और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ग्रुप्स के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये इंक्यूबेटर है, 350 अंडे की कैपेसिटी है और फुली ऑटोमेटिक है एक ट्रे के साथ। ठीक है, दो ट्रे आप लगा सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जो भाई आएगा उसको मैं चेक करा के उसको दिखा के दूंगा। और जिस भाई को चाहिए, सिर्फ एक सीज़न यूज़ हुआ हुआ है और देखने में आपको थोड़ा गंदा लग रहा होगा, वो आपको मैं साफ़ कर दूंगा, क्योंकि वो दरअसल पड़ा हुआ है, कपड़ा मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर रखा हुआ था, आप देख रहे होंगे, इतनी कोई कह लें कि एक सीज़न चला हुआ है, क्या यूज़ हुआ होगा, आपके सामने ही मैंने यूज़ किया हुआ है, आपके साथ ही मैंने वीडियो सारी शेयर की हुई हैं, वो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वो आपको मेरे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएंगी वीडियोस, आप जाके वो देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये इंक्यूबेटर 17,000 रुपये में जो भाई लेना चाहे, जो इंटरेस्टेड हो, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको हम दे देंगे। और कार्गो की सहूलत कह लें कि कार्गो की सहूलत इंशाल्लाह वो भी कर देंगे, क्योंकि ये है काफ़ी इसका वेट है, और कार्गो में आपको पता ही है वो इतना कुछ सामान को ज़्यादा कैरी नहीं करते, अगर जिस भाई ने लेना है वो लाहौर में मेरे से आके ले सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, आपको चेक करवा के देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत वज़नी है ये, अगर आप खुद ही कैरी करके लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आप कार्गो करवाने के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। ठीक है, कार्गो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं खुद नहीं चाह रहा कि कार्गो करवाऊँ, क्योंकि काफ़ी वेट है, जाते जाते कोई चीज़ इसकी डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको इंक्यूबेटर सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपये में मिल जाएगा, जो भाई इंटरेस्टेड हो आप व्हाट्सएप में मेरे से रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये मेरी मुर्गियाँ आप चेक कर रहे होंगे, ये वैसे ही शौक के तौर पर रखी हुई हैं, इसके साथ मैं फ़ीमेल ढूँढ रहा हूँ, इंशाल्लाह फ़ीमेल मिल गई तो इसको यहाँ पे हम फीमेल इसके लिए लेकर आएंगे, तकरीबन दो फीमेल मिल जाएँ तो इनको हम सेपरेट भी कर देंगे, क्योंकि केजेस हमारे दो खाली हैं, उसके अलावा एक वो छोटा नीचे केजेस खाली है, ये मैंने बनाया हुआ जहाँ पे मैं जो छोटे चूज़े निकलते थे वो यहाँ पे रखता था। तो माशाल्लाह से जो भाई मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको तो पता होगा, यहाँ पे सारे पहले चिक्स ही चिक्स थे, तो वो सारे मैंने सेल कर दिए हैं। तो अब ये इंक्यूबेटर है, जिस भाई को चाहिए हो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। ठीक है, इसको हम अभी फिलहाल कर देते हैं बंद, जो भी भाई आएगा हम उसको चेक करा के देंगे, उसकी तसल्ली होगी तो लेकर जाए, ना हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 17,000 रुपये में ये इंक्यूबेटर आपको मिल जाएगा, उसके अलावा ये चेक कर लें। ये लोहमन ब्राउन में वैसे सेल करने का सोच रहा है, लेकिन फिलहाल दिल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अंडे इसके लें और वो हम अंडे खाएं। ठीक है, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।